hope you all are doing well. In today's video, I'm gonna tell you about the secret to growing a bushy and healthy money plant. So pothos, famously known as the Indian money plant, is the most loved plant in comparison to other indoor plants. Money plant have longevity and thrive in almost any condition. The bright green color, shiny leaves, and its pattern of growth makes it a beautiful plant. So pothos as a creeper, it is a proper fit for hanging indoor plants, decorating any space like balconies, windows, walls, etc. In order to help you grow fuller and a bushier make plant, we have some tips. Firstly, आप जहाँ पे भी मनी प्लांट लगाते हैं वहाँ पे आप मनी प्लांट को लगा रहे हैं जिस भी पॉट में, आप उसकी कटिंग करते रहिए। कटिंग से क्या होता है, वो बहुत ही बुशी होता है, उसमें नए नए रूट्स आते हैं, नए नए शूट्स निकलते हैं, तो आप उसकी कटिंग करते रहिए। एंड सेकेंडली, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, उसका जो फर्टिलाइज़र है, मैं जो फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ वो किचन वेस्ट, जो टी वेस्ट होता है, वो मैं अच्छे से वॉश करके और ड्राई करके देन इसमें फिर ऐड कर देती हूँ। तो आप ऐसे भी इसे बूशियर बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र में आप इसे फर्टिलाइज़र कंपोस्ट आप इसे टाइमली दे सकते हैं, या फिर आप डाइल्यूट करके आप कोई फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, डाइल्यूटेड फर्टिलाइज़र। तो मैं जो करती हूँ, अब आप देख सकते हैं, मैं इसे बाहर के साइड, मतलब इसके स्टेम्स को बढ़ने नहीं दे रही, मैं इसी में इसको राउंड राउंड करती रहूँगी। इससे क्या होगा, इसमें जो प्लांट है वो नीचे की साइड जड़ मिट्टी में अपनी ग्रोथ पकड़ लेगा, तो उसके जहाँ से भी ग्रोथ होगी वहाँ से नए नए शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले मैं इनको इसी में ऐसे गोल गोल राउंड राउंड शेप में इसको ऐसे करते जाऊँगी, और इसके रूट्स आप देख सकते हैं, इसको नीचे कर देंगे तो आपकी मिट्टी में अपनी पकड़, मतलब मिट्टी में ये पकड़ लेगा, तो उससे क्या होगा, इसके ग्रोथ्स वहाँ से भी नए बर्ड्स निकलने, नए शूट निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे राउंड राउंड करके अब जब ये पूरा भर जाएगा तो मैं इसका वो कहीं पे, तो मुझे इसे जहाँ पे भी हैंग करना है मैं उसे हैंग कर दूँगी। और इसकी जो केयरिंग है, अगर आप इसे प्रॉपर सनलाइट में रखते हैं तो इसके जो लीव्स हैं वो ब्लैक से, मतलब ब्लैक और येलो होने लगते हैं, तो आप इसके, अगर आप इसे प्रॉपर धूप में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा सनलाइट में भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसे एक बॉटल में पानी डाल के उसमें ये इसकी कटिंग लगा रखी है। तो इससे क्या होता है, इसकी जो रूट्स हैं वो जल्दी सॉइल के अकॉर्डिंग इसमें जल्दी इसके जर्मिनेट होते हैं, इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो मैंने भी इसे ऐसे ही प्लांट को तैयार किया था, पहले मैंने इसे वाटर में एंड देन फिर मैंने इसे सॉइल पॉट मिक्स बना के और सॉइल में इसे फिर मैंने इसे सॉइल में ट्रांसप्लांट कर दिया। और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ, और आप ये बॉटल में जो मनी प्लांट है आप उसकी भी ग्रोथ देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको इसकी वीडियो दिखाई थी कि हाउ कैन यू इजीली ग्रो मनी प्लांट इन वाटर। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई एम ऑल्सो शेयर द रिजल्ट ऑफ सिंगल लीव्स ग्रोथ इन वाटर। सो लेट्स वेट फॉर अनदर वीडियो ऑन मनी प्लांट। एंड इन दिस वीडियो you can see that the growth of money plant in water, and I'm also growing portulaca in water, and you can also see the roots ke iske roots pani mein bhi bahut acche se grow hue hain, aur aap dekh sakte hain maine money plant को जो वाटर में लगाया उसकी ग्रोथ आप उसके रूट्स देख सकते हैं। तो आप ये, अगर आप चाहें तो इसको आप लगा सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा था जब मैंने इसको लगाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है, वो स्पेस मैंने इसीलिए छोड़ा है क्योंकि वो जब ऐसे उसको उसकी डाली या उसकी टहनी ऐसे घूम के आएगी तो यहाँ पर वो अपने आप ही उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, और नए नए इसके जो टहनियाँ हैं वो अपने आप ही स्टार्ट और उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको साइड में करके, और ऐसे ऐसे घूम के आएगा तो ये अपने आप ही एक नया प्लांट बन जाएगा और अपने आप ही ये भर जाएगा, पूरा बोशी हो जाएगा। गाइस, मैंने वाटर में ग्रो करने के टिप्स भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं कि कैसे आप
वाटर में ग्रो कर सकते हैं मनी प्लांट को, और उसकी ग्रोथ एक बहुत अच्छी होती है वाटर में भी। तो मैंने आपको बताया था आप एग सेल्स को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डाइल्यूटेड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग सेल्स को ही यूज़ कर रही हूँ, और मैंने उसी से ये प्लांट भी बनाया था, और इसको फिर मैंने दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर दिया था। तो आप बहुत ही इजीली इसकी, मेरे पास दो प्लांट और हैं जो मैंने सॉइल में ग्रो करा हुआ है, दो पॉट में ग्रो रखे हैं। तो मैं उसका रिज़ल्ट, मैं जब भी उसको रिपोर्ट करूँगी तो मैं आपको उसके रिपोर्टिंग के बारे में भी ज़रूर बताऊँगी। आज के लिए इतना ही। और एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि जो मैंने मनी प्लांट वाटर में ग्रो किया है वो पोथोस हैं। गाइज, जो आप पोथोस जिसको बोल रहे हैं वो इंडिया में उसे मनी प्लांट ही बोलते हैं। ऑलमोस्ट वो हर जगह पे मनी प्लांट के नाम से ही जाना जाता है। थैंक यू फॉर योर नॉलेज, मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे बताया। और प्लीज़ अगर मुझसे मेरी वीडियो में कुछ कमी रहती है या आपको और भी कुछ देखना है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक यू।